स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ी की ओर तो राम राम। फिलहाल आप मौजूद हाँ कमालपुर रोड़ान गांव में, जिसका जो मैटर चल रहा है आज पंचायत हुई थी, मतलब कि सारे के सारे मुद्दा पर करनाल तक बहुत दूर दूर तक बंदे बटले हुए थे और इस पर इंसाफ की जो गुहार लगाई गई है करनाल में, रोड जाम किया गया था, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाम किया था कुछ। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे साथ मौजूद हैं कमालपुर उड़ान के सरपंच। तो सर आज का जो मामला था क्या निष्कर्ष निकल के आया है? देखो ये 10 दिन तक चल रहा मामला था ये। हाँ जी। वो अपना आज महा पंचायत बुलाई थी। हाँ जी। महा पंचायत बुलाई थी तो उसमें भी देखते हैं क्या फैसला होता है। तो महा पंचायत ने 10 व्यक्तियों की कमेटी गठित करके, हाँ जी, तो SP से मिले थे। हाँ जी। SP से मिल के SP साहब ने आश्वासन दिया कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल सर। तो 10 दिन का टाइम दिया कि 10 दिन के बाद मैं क्लियर कर दूंगा सारा कुछ कि क्या है इसमें क्या नहीं है केस में। तो इतना मतलब सारी मतलब रिपोर्ट भी आ जाएगी, DNA भी हो जाएगा, इतना सारा कुछ हो जाएगा। SP साहब ने बोला सब कुछ रिपोर्ट आ जाएगी, सब कुछ क्लियर ही कर दूंगा मैं। तो सरपंच साहब एक वीडियो और वायरल, मतलब कि एक बात और वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि जो अंजलि नाम की जो है नहीं, जिसने लव मैरिज कर लिया शायद उसने, कि वो दिमाग से सही नहीं है, मतलब कि मेंटली प्रॉब्लम है। नहीं भाई साहब, इसको मेंटल कहाँ कह सकते हैं मैम, वो मेंटल नहीं हो सकती। हाँ जी। नहीं यार, जब आईलेट्स करके 7 बैंड ले लिए हैं। हाँ जी। तो मेंटल कहाँ से हो जाएगी? बिल्कुल सर। है अच्छे बच्चे मतलब 5 बैंड वाले, मतलब 5 बैंड 6 बैंड भी नहीं आते, 7 बैंड ले लिए। बिल्कुल सर। तो मेंटल कहाँ से होती है, वो कहाँ है, मेंटल नहीं है। तो सर इस टाइम गिरफ्तारी किस किस की हो रही है? भाई इसमें इस टाइम गिरफ्तारी हो रही है अंजलि और अंजलि के पति की और अंजलि की सास की और राजेश की, राजेश की माँ की और राजेश की पत्नी की। 6 आदमी गिरफ्तार है इसमें, 6 व्यक्ति। तो सर कबूल किस किस ने किया है उनमें से? इन्होंने कबूल कर लिया, अंजलि ने भी कबूल कर लिया। हाँ जी। और सुना है अभी बंती ने, बंती की सास ने, राजेश की पत्नी ने, राजेश की माँ ने कबूल कर लिया। तो सर क्या आपको ये लगता है कि जो प्रशासन है कहीं ना कहीं वो डील बरत रहा है इस काम में? बिल्कुल डील बरत रहा है जी। हाँ जी। प्रशासन पर भी कोई विश्वास नहीं है पब्लिक को, तो प्रशासन की इसमें डील है। तो कभी तो कहते हैं भाई, प्रशासन पहले तो कहती थी भाई 95% हमने सेल क्लियर कर लिया। हाँ जी। केस तो उसके बाद अंजलि को उठाते हैं तो 5% में सारा का सारा अंजलि पे थोप देते हैं केस, जिसके बाद सारा कसूर अंजलि की, अंजलि ने मारा है, अंजलि ने लाश ऊपर छत पे ले गई, हाँ बैग में डाल के छत पे ले गई। तो हम यही बार बार यही कहते हैं अकेली औरत बच्चे को नहीं मार सकती, और वहाँ बैग में डाल के उसके घर से, अब अंजलि अपने घर से राजेश के घर तक ले जाना, बीच में रास्ते में 2 अगर और आते हैं उनमें भी डाल सकती थी। बिल्कुल डाल सकती। जो नज़दीक पड़ते हैं उनमें डाल सकती थी। तो वहाँ राजेश के घर ले, राजेश के घर तो 6 फुट की दीवार भी आ रही, गेट भी लग रहा, तो गेट भी लग रहा उसको। बिल्कुल लग रहा सर। हाँ जी। तो सर कारण क्या कुछ रह सकता है मौत का, जो मतलब कि एक 4 साल का बच्चा नहीं सके खोट कर यही तो नहीं पता लग रहा भाई साहब। उन्हें अंजलि से भी पूछ रहे, चलो अंजलि से, अंजलि प्रशासन कहता है अंजलि ने मारा है, तो हमें प्रशासन से ही बात की अभी अंजलि ने मारा है तो इसका कारण बता दो। कारण बता दो, ठीक है। हाँ भी क्यों मारा, इसके साथ क्या दुश्मनी थी या इसके परिवार के साथ क्या दुश्मनी थी उसकी, क्योंकि कभी भी कोई लड़ाई भी नहीं हुई इस परिवार के साथ, तो अंजलि परिवार के साथ तो कभी कोई लड़ाई भी नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा। ठीक है सर। तो सर क्या मतलब कि जो फांसी की गुहार लगा रहे हैं कब तक दी जानी चाहिए या क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें? भाई साहब हम तो यही कहो जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए जो भी इसके कातिल है, और जल्दी यार इसका केस भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए। सर गर्भवती और बता रहे हैं, एक बार बताइए कितने महीने की गर्भवती है? ऐसा है जी, कह रहे हैं गर्भवती है। हाँ जी। हमें तो लगता नहीं वो गर्भवती है, बाकी बोल रहे हैं लोग भाई 2 महीने की 2.5 महीने की गर्भवती है। हाँ जी सर। लेकिन लगता नहीं। ठीक है सर। तो आप अपने हिसाब से बता दो कमेंट बॉक्स में कि क्या सजा मिलनी चाहिए उनको, और बहुत बहुत धन्यवाद।